कानपुर महानगर से खबर है, जहां पुलिस के ऊपर आरोपियों को गिरफ्तार न करने के आरोप लगे हैं। बताते चले कि चकेरी के श्याम नगर में रहने वाले 12वीं क्लास के छात्र रोमिल सरकार की मौत को आज 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ हत्या आरोपियों की गिरफ्त से दूर हैं। ऐसे में पीड़ित परिजन लगातार पुलिस थाने से लेकर पुलिस कमिश्नर के चक्कर लगाकर न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहा है। अब पीड़ित परिजनों ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सपा प्रतिनिधि मंडल से मिलकर पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। हम लोगों ने यही ज्ञापन दिया कि 12 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई या ठोस सबूत नहीं मिल रहे, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, लिहाजा हम लोग को न्याय दिलाया जाए और हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से डायरेक्ट बात कराई जाए। क्या मामला था पूरा? मेरा बेटा 31 तारीख को स्कूल गया था, 31 तारीख को स्कूल वीरेंद्र स्वरूप श्याम नगर। क्या मामला? उसके बाद वो 2 बजे छुट्टी होती, वो जब 2:30 बजे तक घर नहीं पहुंचा तो हम लोगों ने उसकी ढूंढाई चालू करी, लेकिन 1 तारीख की सुबह उसकी लाश जो है वो चंदारी रेलवे स्टेशन पर मिली। हाँ जी, हमने शाम चार बजे श्याम नगर चौकी में लिखा दी थी और 5:30 बजे चकेरी थाने में FIR लिखा दी थी। उनसे क्या कार्रवाई की गई? कुछ नहीं करा। अभी तक क्या कार्रवाई चल रही है? अभी तक आश्वासन के अलावा और कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस और अभी जो प्रतिमंडल साहब मिले हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने आश्वासन दिया कि वो डायरेक्ट हमसे बात करेंगे अभी शाम को, बताएंगे। क्या उम्मीद है? बस अभी हम जा रहे हैं उन्हीं के पास, दोबारा जा रहे हैं, वहीं पर जा रहे हैं कमिश्नर ऑफिस।